चाचा ने किया 7 साल की भतीजी का रेप, बच्ची ने रो रोकर सुनाई आप बीती। बिहार के समस्तीपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक चाचा ने अपनी ही 7 वर्षीय भतीजी के साथ रेप किया। मामला ताजपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर बच्ची को मेडिकल जाँच के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि ताजपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में स्थित महादलित बस्ती में रहने वाला शख्स अपनी 7 वर्षीय भतीजी को बेला फुसलाकर अपने घर ले गया, फिर वहां उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। तभी बच्ची ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां आ गए। गांव वालों को देखकर आरोपी वहां से भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करके थाने ले गई। वहीं बच्ची को भी मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। बच्ची ने रोते हुए बताया कि चाचा मेरे साथ गंदा काम कर रहे थे। ताजपुर के थाना अध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे पूछताछ जारी है। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आते ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर से हैवानियत की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी। यहाँ चचेरे भाई ने 18 महीने की मासूम के साथ रेप किया। बच्ची की चीख सुनकर घर वाले मौके पर पहुंचे और मंजर देखकर सिहर उठे। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना जिले के कोडनी थाना क्षेत्र के एक गांव की शुक्रवार दोपहर की है, जहां चचेरे भाई ने 18 महीने की मासूम को खेलने के बहाने घर बुलाया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की चीख सुनकर दौड़े परिजन जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उधर लोगों को आते देख आरोपी फरार हो गया। आनन फानन में बच्ची को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में कार्यवाही जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है।